मंत्री आतसी मार्लेना के घर पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने रविवार को सुबह सुबह दस्तक दे दी। दरअसल आतसी मार्लेना और सीएम अरविंद केजरीवाल के पिछले दिनों बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और इसके तहत क्राइम ब्रांच के एसीपी रविवार सुबह खुद आतिशी मार्लेना के घर नोटिस थमाने के लिए पहुंच गए। हालांकि आतिशी ने अपने आवास पर उनको नहीं मिली। ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी को के ना मिलने पर उनके घर के बाहर ही कुछ दूरी पर उनका इंतजार कर रही थी। आपको बता दें उनके साथ आज सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे थे, जबकि क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के वित्त मंत्री का इंतजार उनके आवास पर एक घंटे से ज्यादा तक उनके घर के पास करती रही। क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के आवास के दूसरे गेट पर मौजूद थी। इस बीच पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से 3 दिन में नोटिस का जवाब मांगा है। टीम ने केजरीवाल से इस मामले में सबूत भी देने की बात कही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जाँच के सिलसिले में शुक्रवार को सीएम केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के आधिकारिक आवास पर पहुंची थी। हालांकि उन्हें तब सफलता नहीं मिली थी। वहीं सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस के आपके दोनों नेताओं को नोटिस नहीं सौंप सकी थी, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था कि बीजेपी ने दिल्ली में उनकी सरकार गिराने के लिए आपके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। इसके बाद दिल्ली की आप सरकार में मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली ऑपरेशन लोटस में 2.0 शुरू किया है। आतिशी ने कहा कि उन्होंने आपके विधायकों को पैसे देने की पेशकश कर अपने पाले में करने की कोशिश की है और ऐसा उन्होंने पिछले साल भी किया था, हालांकि वे असफल रहे। और इन आरोपों के बाद बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख बीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 जनवरी को शहर के पुलिस प्रमुख से मुलाकात की थी और आरोपों की जांच किए जाने की मांग की थी। और उधर आम आदमी पार्टी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि अपराध शाखा की टीम उनको नोटिस दिए बिना ही चली गई। आपके एक सूत्र ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी नोटिस स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिल्ली पुलिस बिना कुछ कहे उनको वो सौंप कर वहां से चली गई। ऐसे में अब आतिशी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या आने वाले समय में भी आतिशी जेल की हवा खा सकती है या और इस पे आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।